हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है हिरोशिमा नागासाकी। आप लोग, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इस घटना के बारे में। उसी घटना को लिखा है हमारे सामान्य हिंदी में अज्ञेय जी ने, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी ने हिरोशिमा में लिखा है उस समय का वर्णन कि क्या हुआ था उस समय, है ना, क्या दृश्य था उस समय। तो उन्होंने अपनी कलम से कुछ लिखा है, वो हम आज पढ़ेंगे और पूरा पाठ इसी वीडियो में खत्म करने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप को मैं पढ़ाने से पहले एक एक मिनट और 1.5 मिनट की क्लिप दिखाना चाहता हूँ। आपको इसी वीडियो में क्लिप मिलेगी, तो आप पहले उस क्लिप को देखिएगा, फिर इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो आपने क्लिप देखी होगी और इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने हिरोशिमा लिखा है और हिरोशिमा में लिखते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला। सहसा, सहसा का क्या अर्थ होता है? सहसा का मतलब होता है अचानक। एक दिन अचानक सूरज निकला। एक दिन क्या हुआ? अचानक सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। क्षितिज लिखा हुआ है, क्षितिज। क्षितिज का क्या अर्थ होता है बेटा? देखो, क्षितिज किसे कहते हैं? मान लीजिए कि ये जमीन है और आप यहां पर खड़े हुए हैं, है ना, आपके ऊपर आसमान है। जब आप एक बहुत दूर का स्थान देखते हैं तो आपको आसमान और जमीन मिले हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन मिल गए हैं। ये काफी सारे लोगों ने देखा होगा, एक समय पर ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन मिल गए हों। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज। ओके, तो आपने देखा होगा कि सूर्य जो होता है, जब आप देखेंगे समुद्र के पास जाएंगे या बहुत बड़े समुद्र के पास, आप पता नहीं मुझे आप लोग गए होंगे कि नहीं, लेकिन आप एक तस्वीर बना सकते हैं, तो सूरज आपको ऐसा लगता है जैसे पानी से निकल रहा हो, है ना। तो जहां से सूरज निकलता है उस स्थान को हम क्षितिज कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्या है, कहते हैं। तो देखो, अज्ञेय जी वही कहते हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। जो सूर्य निकला था वह किसी क्षितिज से नहीं, वह नगर के बीचों बीच नगर के चौक पर निकला था, यानी कि चौराहे पर निकला था, है ना। अब सूर्य, सूर्य बेटा यहां पर कहा गया है परमाणु बम को। किसको कहा गया है? परमाणु बम को। तो देखो, एक दिन जो है सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। अच्छा, जब भी सूर्य निकलता है क्षितिज से तो जो धूप होती है वह अंतरिक्ष से बरसती है, पर यहां पर तो जो सूर्य है वह क्षितिज से निकला ही नहीं है। वो तो निकला कहां है? नगर के चौक से, नगर के बीचों बीच से। तो अज्ञेय जी कहते हैं कि देखो, कि जो सूर्य था वह क्षितिज से नहीं निकला है, वह निकला नगर के चौक पर है, और धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी कहते हैं कि जो धूप निकली है ना, वह क्षितिज से नहीं, वह नगर के चौक
चौक निकली है, नगर के चौक पर निकली है, फटी मिट्टी से निकली है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि देखो होता क्या है कि एक दिन अचानक से परमाणु बम गिरा दिया जाता है हिरोशिमा पर, है ना, नागासाकी पर अचानक से। और उस वो जब बम गिरता है ना हिरोशिमा पर, तो एकदम से इतनी जोर से रोशनी होती है मानो जैसे कोई सूर्य फट गया हो। कहां फट गया हो? नगर के चौक पर, है ना। अच्छा बताओ जब उस जब वह परमाणु बम फटेगा तो उससे किरणें निकलेंगी। अच्छा एक सूर्य क्षितिज पर निकलता है, पर यह जो परमाणु बम है यह निकला है नगर के बीचों बीच में, है ना, क्योंकि परमाणु बम में भी उतना ही ताप होता है जितना सूर्य में तापमान होता है। तो और सूर्य में जो वास्तविक सूर्य होता है वो भी किरणों को बिखेरता है और ये भी किरणों को बिखेर रहा है, परंतु ये सब कुछ नष्ट कर रहा है। और कहां इसकी किरणें जो निकली हैं वो कहां से निकली हैं? फटी मिट्टी से, क्योंकि जब बम फटेगा तो मिट्टी फटेगी, वो वहां से किरणें निकलेंगी। आगे कहते हैं, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। और होता क्या है कि जो मानव जन की जो छायाएं थी वो दिशाहीन होकर के बिखरी हुई थी। अज्ञे जी कहते हैं कि जो मानव जन की छायाएं थी वह दिशा से हीन होकर के कहीं दूर जो है पड़ी हुई थी। वह सूर्य नहीं उगा था पूरब में। देखो स्पष्ट कह रहे हैं अज्ञे जी कि देखो जो वो सूर्य था ना वह पूरब से नहीं उगा था। हमें पता है कि जो सूर्य होता है वो कहां से उगता है? पूरब से। पर अज्ञे जी कहते हैं कि वह सूर्य नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। यह जो सूरज रूपी परमाणु बम है वह अचानक सहसा यानी कि अचानक जो है नगर और चौक के बीचों बीच निकल पड़ा, है ना। सूरज का मतलब है यहां पर, सूरज को संज्ञा दी गई है परमाणु बम की। आगे कहते हैं कि काल सूर्य के रथ के पहिए के जो अरे टूट कर बिखर गए हों। बेटा ये जो अरे लिखा है, अरे का मतलब है डंडा। अरे का मतलब क्या है? डंडा। कहते हैं कि काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों। कहते हैं मानो जैसे जो सूर्य है ना वो काल बन करके अपने रथ के पहिए से आया हो और उसके डंडे टूट करके बिखर गए हों। और हुआ क्या? दसों दिशाओं में। और जो काल के जो रथ के डंडे थे ना वो दसों दिशाओं में टूट करके बिखर गए हैं। देखो क्या होता है कि जब परमाणु बम नीचे गिरा है हिरोशिमा पर तो इतना भयानक विस्फोट होता है, आपने वीडियो में भी देखा होगा, कि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य एक होता है जब कोई मनुष्य जलता है तो उसकी राख हो जाती है। कहा जाता है कि जब परमाणु बम गिरा तो राख भी नहीं बनी, वो भाप बन गए थे। वो जो सारे मनुष्य थे वो क्या बन गए थे? भाप बन गए थे। इस तरह का दृश्य था उस समय हिरोशिमा पर। बहुत बमबारी कर रहा था जो है अमेरिका, ऐसा हो रहा था कि एक बम यहां गिरा है, अगर उसका प्रभाव यहां गिरा है तो इसका प्रभाव इतना होगा, तो क्या कर रहा था, दूसरा बम यहां गिरा रहा था तो उसका प्रभाव इतना होगा, तीसरा बम यहां गिरा रहा था। कहा जाता है कि आज भी हिरोशिमा जापान में, आज कई साल बीत गए हैं, आज भी बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, आज भी इन परमाणु बम का, आज की अगर 2023 में भी कोई जन्म लेगा ना तो उसकी 80% संभावना होती है कि वह बच्चा विकलांग होगा। ये सच्चाई है हिरोशिमा के अंदर, ये आज भी वहां की जो किरणें हैं वो इफेक्टेड है छोटे बच्चों के लिए। आगे कहते हैं कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। कहते हैं कि कुछ क्षण का उदय अस्त, कहते हैं कि जब बम गिरा नगर के चौक पर तो एकदम से विस्फोट हुआ। जब एक बात बताओ, जब एकदम से विस्फोट होगा ना तो बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, तो उसे कहा है एक क्षण का उदय, एकदम से उदय हुआ, एकदम से रोशनी हुई। और अस्त, जब वो रोशनी हुई सब कुछ तबाह कर दिया तो वह जो परमाणु बम की जो किरणें थी वो शांत हो गई। तो क्या कहा है? अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण, केवल एक जलते हुए क्षण में। आगे कहते हैं कि दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। वो कहते हैं कि उस समय का दृश्य ऐसा था मानो कि सारी दोपहरियों को, सारे दृश्यों को उसने सोख लिया हो, इतना भयानक, इतना भयानक मंजर था उस समय हिरोशिमा में। आगे कहते हैं अज्ञे जी कि फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। देखो इस पंक्ति को समझो आप, जैसे सुबह आप जागे तो आप देखेंगे
कि सुबह आपकी परछाई बहुत छोटी सी बनेगी। मान लीजिए आप हैं ये, मान लीजिए आप ये हैं आप, तो आपकी परछाई लगभग इतनी बनेगी। जैसे ही समय बीतता जाएगा तो आपकी परछाई इतनी बड़ी हो जाएगी, और समय बीतेगा तो आपकी परछाई और बड़ी हो जाएगी, है ना। फिर जब एकदम दोपहर ही हो जाएगी तो आपकी परछाई ही नहीं बनेगी, फिर परछाई नहीं बनेगी क्योंकि सूर्य आपके जस्ट ऊपर होगा। तो इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, यानी कि जैसे ही सुबह हुआ, सुबह से सूर्य अपने चरम पर आ भी नहीं पाया, यानी कि सूर्य अच्छे से उदय हो भी नहीं पाया, और अमेरिका ने जो है वहां पर क्या कर दिया था, परमाणु बम विस्फोट कर दिया था, एक नहीं कई सारे करे थे। तो कहा जा रहा है कि मानव मनुष्यों की जो छाया थी ना, वह भी लंबी नहीं हो पाई थी। लंबी नहीं हो पाई थी का मतलब है कि जैसे ही सुबह हुआ और परमाणु हमला कर दिया गया। तो कहते हैं कि फिर क्या होता है, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। अज्ञेय जी कहते हैं कि हिरोशिमा में जो मनुष्य थे, उन मनुष्यों की जो है छायाएं थी, वह लंबी होकर के मिट भी नहीं पाई, और परमाणु बम गिरा दिया गया। मानव ही सब भाप हो गए, और जितना भी मनुष्य था वह सारा का सारा मनुष्य हिरोशिमा में भाप बन गया, राख भी नहीं भाप बन गया। क्या कहते हैं कि मानव ही सब भाप हो गए, जितने भी मनुष्य थे वह सारे के सारे भाप बन गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, अज्ञेय जी कहते हैं कि आज भी छायाएं लिखी हुई हैं। कहां लिखी हुई हैं? झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। गच का मतलब है बेटा दरार। वो कहते हैं कि झुलसे हुए जो पत्थर है ना, उन झुलसे हुए पत्थरों पर भी आज मानव की छायाएं लिखी हुई हैं, और सड़कों की दरारों पर भी आज मानव की छायाएं लिखी हुई है। यानी कि कहने का मतलब है कि आज भी प्रूफ है, क्योंकि पत्थर तो कहीं जाएगा नहीं, पत्थर तो खत्म होगा नहीं। तो कहा जा रहा है कि जब भी उस जमाने का कोई पत्थर होगा तो आज भी प्रूफ है कि उस समय ऐसा हुआ था। आज भी अगर कहीं दरारें पड़ी हुई हैं उन सड़कों की, तो आज भी वो सड़क जो है, वो दरारें आज भी इस बात का सबूत है कि कैसी महामारी रही होगी, कैसा भयानक दृश्य रहा होगा। कहा जाता है कि जहां प्रॉपर परमाणु बम गिरे थे, वहां आज भी पौधा, एक पौधा जन्म नहीं लेता है, वो भूमि ही बंजर हो गई है। बात आई समझ में? आगे कहते हैं कि मानव, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज। सूरज का मतलब यहां पर पता है क्या है? सूरज का अर्थ है परमाणु बम। कहते हैं कि मानव का रचा हुआ परमाणु बम है ना, मानव का रचा हुआ सूरज का मतलब क्या है कि मानव के द्वारा जो रचा गया परमाणु बम था, वह मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, वह परमाणु बम आज मनुष्य को ही निगल गया। यानी कि जो मनुष्य ने बनाया वही मनुष्य के लिए आज जो है हानिकारक हो गया, और वही आज मनुष्य को निगल गया। देखो, मानव का रचा हुआ सूरज, मानव के द्वारा बनाया गया परमाणु बम ही मानव को भाप बनाकर सोख गया, मानव को ही भाप बना करके उसने खत्म कर दिया। पत्थर पर लिखी हुई है, पत्थर पर लिखी हुई यह जलती हुई छाया मानव की साखी है। कह रहे हैं कि पत्थरों पर जो लिखी हुई छायाएं हैं ना, आज वह मानव की साक्षी हैं। साखी का मतलब है साक्षी। बात आई समझ में? क्या कहते हैं कि पत्थरों पर जो लिखी हुई छायाएं हैं, जली हुई छायाएं हैं, वो भी आज मानव की साखी हैं, साक्षी हैं कि उस समय क्या दृश्य रहा होगा हिरोशिमा पर। ये ऐसा कहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले पाठ में।